नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर संदीप कटारिया और स्वागत है आप सभी दर्शकों का। मैं अभिनंदन करता हूं उन दर्शकों का जो हमारे साथ बहुत समय से जुड़े हुए हैं और नियमित रूप से इस चैनल पर वीडियोस देखते रहते हैं। नमस्कार है उन सभी दर्शकों का जो अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं या आज पहली बार इस चैनल पर आकर ये वीडियो देख रहे हैं। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत कुछ, आपके राशिफल के साथ साथ कुछ महत्वपूर्ण टिप्स इस महीने को सफल बनाने के लिए। राशिफल में हम आपको बताएंगे महीने के सामान्य रुझान यानी कि जनरल ट्रेंड्स, धन और व्यवसाय, घर परिवार, प्यार और वैवाहिक जीवन, शिक्षा, स्वास्थ्य और इस महीने के कुछ खास दिन और त्यौहार। है ना बहुत कुछ। इस महीने के राशिफल को जानने से पहले हम जल्दी से समझेंगे कि आपकी कुंडली में इस महीने ग्रहों का गोचर कैसा रहेगा। तो आइए शुरू करते हैं। शुक्र 4 जून को आपके 8वें भाव से 9वें भाव में गोचर करेंगे और उसके बाद फिर से 29 जून को वह 10वें भाव में चले जाएंगे। सूर्य 15 जून को वृषभ से मिथुन राशि में गोचर करेंगे जो कि आपकी कुंडली का 10वां भाव है। वहां पर सूर्य राहु के साथ होंगे जो पहले से ही मिथुन राशि में विराजमान है और यह युक्ति ग्रहण दोष भी बना देगी। मंगल 22 जून को मिथुन राशि से कर्क राशि में गोचर करेंगे जो कि आपकी कुंडली का 11वां भाव है। यहां पर आकर मंगल नीच के हो जाएंगे। आपकी राशि के स्वामी बुध इस महीने 2 बार राशि परिवर्तन करेंगे। सबसे पहले बुध 2 जून को वृषभ से मिथुन में गोचर करेंगे और उसके बाद 21 जून को मिथुन से कर्क राशि में चले जाएंगे। यह आपका 11वां भाव है। बृहस्पति पूरे महीने वृश्चिक राशि में रहेंगे जो कि आपका 3रा भाव है। शनि पूरे महीने धनु राशि में रहेंगे जो आपकी कुंडली का 4था भाव है। इस महीने राहु मिथुन राशि में होंगे और केतु धनु राशि में रहेंगे। चंद्रमा महीने की शुरुआत में मेष राशि में रहेंगे और प्रत्येक राशि में लगभग 2.5 दिनों तक गोचर करने के बाद ये 30 जून को वृषभ राशि में आ जाएंगे। आइए अब समझते हैं कि इस महीने ग्रहों की चाल का कन्या राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। कन्या राशि के जातक इस महीने एक सामंजस्यपूर्ण और शांतिपूर्ण महीने की उम्मीद कर सकते हैं। प्रिय कन्या राशि के जातकों, इस महीने आप जीवन की कुछ बेहतरीन चीजों को गिफ्ट के रूप में पाएंगे, यानी कि भगवान आपको कुछ अच्छे अच्छे आशीर्वाद देने वाले हैं। आपके ईमानदारी से किए हुए प्रयासों से आप जीवन में अपनी स्थिति में सुधार देख सकते हैं। आपका बढ़िया कम्युनिकेशन आपकी सोशल लाइफ पर अच्छा प्रभाव डालेगा। इस महीने यात्राएं और पर्यटन स्थल आपके नसीब में होंगे, इसलिए जल्दी से अपने बैग तैयार कर लें और एक सुखद और मंगलमय यात्रा की तरफ बढ़ चलें। कन्या राशि के जो जातक जो सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल्स हैं, उनके लिए यह महीना अपने व्यवसाय का विस्तार करने या फिर ऐसे कहें कि प्रोफेशनल प्रैक्टिस को बढ़ाने के लिए बहुत ही उत्तम होगा। फ्रीलांसर्स के पास भी अच्छे असाइनमेंट्स पाने के लिए ये अवधि काफी अनुकूल लग रही है। एंटरप्रेन्योर्स यानी कि व्यापारीगण ये महसूस करेंगे कि उनका कौशल और उनका ज्ञान उनके कॉम्पिटिटर्स और बिजनेस राइवल से आगे निकलने के लिए काम आ रहा है, इसलिए अपने मौजूदा व्यवसाय को एक नई लाभदायक दिशा में ले जाने के लिए यह समय बहुत ही उत्तम है। यदि आप नौकरी करते हैं और सेल्स और मार्केटिंग क्षेत्र में हैं, तो आपका सही और अच्छा कम्युनिकेशन आपको और अधिक सेल्स बढ़ाने में मदद करेगा। बिजनेस ओनर्स को अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए नए क्षेत्रों में प्रवेश करने का सही समय अभी मिलेगा। कन्या राशि के जो जातक कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी अच्छी खबर है। आपके 10वें घर में शुक्र के गोचर के चलते जो जातक कवि, चित्रकार, अभिनेता, गायक, इंटीरियर डेकोरेशन, फैशन डिजाइनर, सैलून ओनर्स, संगीतकार हैं या फिर टूरिज्म और होटल इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, वे इस महीने पहले से और अच्छा कर पाएंगे। मेरे प्रिय कन्या राशि के जातकों,
इस महीने ग्रहों का संयोग आपके पक्ष में है, इसलिए अगर आप फ्रीलांसर हैं तो आगे बढ़ें और अपने क्लाइंट के साथ बेहतर टर्म्स के लिए नेगोशिएट करें। और यदि आप नौकरी पेशा हैं तो बेहतर वेतन के लिए अपने बॉस से बात करें। दोस्तों, अब बात करते हैं मनी और फाइनेंस के बारे में। यदि आपने अभी तक धन बचाने यानी कि बचत करने पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया है तो अब आप बचत करने की प्रक्रिया शुरू कर दें और भविष्य के लिए कुछ अच्छी वित्तीय योजना बनाएं यानी कि अच्छी फाइनेंशियल प्लानिंग करें, क्योंकि यह उत्तम समय है। इस महीने के दौरान आपके परिवार के सदस्य आपसे कुछ मांगे, आपसे कुछ उम्मीदें रख सकते हैं। आपको अपने परिवार के सदस्यों की उम्मीदों और उनकी मांगों को पूरा करने की जिम्मेदारी होगी। आप सावधान भी रहें, क्योंकि आपकी घरेलू कमिटमेंट के साथ साथ आपकी प्रोफेशनल कमिटमेंट में टकराव हो सकता है। इस महीने के दौरान कुछ कन्या राशि के जातकों के बच्चों का प्रदर्शन औसत से कम ही रहेगा, क्योंकि इस दौरान शिक्षक या उनके परिवार के बुजुर्ग सदस्यों के साथ कुछ संबंध बिगड़ने की संभावना दिख रही है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि ग्रहों की स्थिति और ग्रहों का गोचर जातक के जीवन पर गहरा प्रभाव डालते हैं, इसलिए ग्रहों की स्थिति और ग्रहों के गोचर का अध्ययन अगर सटीक तरीके से किया जाए तो हम किसी भी व्यक्ति विशेष की आने वाली जिंदगी की घटनाओं को अच्छे से समझ सकते हैं। तो अगर आप भी अपने जन्म कुंडली का सटीक अध्ययन करवाना चाहते हैं तो आप हमारे से पेड कंसल्टेशन लेकर उचित सलाह ले सकते हैं। आइए अब आगे के राशिफल के बारे में बात करते हैं। इस दौरान आप अपनी लव पार्टनर या जीवन साथी के साथ बहुत मधुर और बेहतर संबंध बनाएंगे। हालांकि फ्रेंडशिप्स और लव लाइफ के प्रति कन्या राशि के जातकों के सितारे सावधान रहने का भी संकेत दे रहे हैं। इस दौरान आप अपने परिवार और अपने कामकाज के बीच में बंट जाएंगे, क्योंकि आपके लिए दोनों ही महत्वपूर्ण पहलू हैं। इसलिए कन्या राशि के जातकों को कुछ संतुलन रखना होगा, क्योंकि प्यार भी आपके जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू है। अगर आप सिंगल हैं और जीवन साथी या लव पार्टनर की तलाश में हैं तो किस्मत आजमाने के लिए यही सही समय है, लेकिन शांत चित्त सोबर माइंडेड रहकर आप इस धारणा में नहीं रहें कि जिस व्यक्ति पर आप लंबे समय पर अपना ध्यान केंद्रित कर रहे हैं वह आपका संकेत प्राप्त कर चुका है या कर चुकी हैं, या खुद ही अनुकूल रिस्पॉन्स देगा या देंगी। बेशक आप अपनी आकर्षक शैली के साथ किसी भी सोशल सर्कल में खुद को शामिल करने की क्षमता रखते हैं, लेकिन इस संबंध में आपको कुछ अधिक प्रयास करने होंगे और दुनिया का सामना करने की हिम्मत भी जुटानी होगी। कन्या राशि के विद्यार्थी अपनी पहचान बनाने में सक्षम होंगे, क्योंकि वे बहुत समझदारी से अपनी पढ़ाई करने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अपनी सर्वोत्तम ऊर्जा लगाएंगे। जो जातक प्रतियोगी परीक्षाओं यानी कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं वह सामान्य प्रयासों से अगर थोड़ा बढ़कर मेहनत करें तो अपने उद्देश्यों को पाने में सफल होंगे। अपने शरीर और दिमाग को स्वस्थ रखने के लिए एक समय में केवल एक ही काम पर ध्यान दें, जिससे लंबे समय तक आप अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखेंगे और यह आप सुनिश्चित कर पाएंगे। इस महीने सूर्य आपके नवे घर में गोचर कर रहे हैं, इसलिए यदि आपके गले में खराश या घुटनों में कुछ तकलीफ होती है तो बहुत हैरान मत होइएगा। इस महीने में नियमित व्यायाम, योगा और अच्छे भोजन की आदतें आपको छोटी मोटी बीमारियों को दूर रखने में मदद कर सकती हैं। इस महीने की आपके लिए टिप है कि अपने करियर में बेहतर परिणाम पाने के लिए और लंबे समय तक अपनी संपत्ति बढ़ाए रखने के लिए गायों को चारा खिलाएं और बेहतर घरेलू जीवन और घर पर अच्छा माहौल बनाए रखने के लिए कौवे को खाना खिलाएं। अब हम बात करेंगे इस महीने के कुछ खास दिनों और त्योहारों के बारे में।
3 जून वट सावित्री व्रत, 5 जून वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, 12 जून गंगा दशहरा, 13 जून निर्जला एकादशी, 16 जून फादर्स डे और वट पूर्णिमा व्रत, 17 जून ज्येष्ठा पूर्णिमा, 21 जून इंटरनेशनल डे ऑफ योगा, 29 जून योगिनी एकादशी। यदि आप इस माह अपनी राशि के पूर्णमान को इंग्लिश में देखना चाहते हैं तो हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंग्लिश वीडियो का लिंक दे दिया है, जिसका स्क्रीनशॉट आप अपनी स्क्रीन पर अब देख सकते हैं। तो ये था आपकी राशि का इस माह के लिए राशिफल। अगर आप ज्योतिष और उससे संबंधित रोचक और लाभकारी जानकारी पाना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट hindi.topastrologer.com/blog पर जाकर मनपसंद आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और इस वीडियो की जानकारी अन्य लोगों को देने के लिए इसे शेयर भी जरूर करें। दोस्तों, हम आगे भी बहुत से उपयोगी वीडियोस लाने वाले हैं और अगर आप चाहते हैं कि उनकी जानकारी आपको तुरंत मिले तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही घंटी वाले निशान को क्लिक करके हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन पाते रहें। हमेशा की तरह आप हमें अपना प्यार, सहयोग और सुझाव देते रहें, इससे हमें बहुत प्रेरणा और बल मिलता है। आने वाला समय आपके लिए मंगलमय खुशहाल रहे, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए और हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।